नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद शिमला नगर निगम के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 वार्डों में पूर्ण गठन को लेकर जारी किए गए आदेशों पर रोक लगा दी है। राज्य चुनाव आयोग अब शिमला नगर निगम के 5 वार्डों की मतदाता सूची को अपग्रेड करने का काम शुरू करेगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम के 5 वार्डों के पूर्ण गठन पर स्टे लगाया था। इससे मतदाता सूची का काम रुक गया था और चुनाव नहीं हो पाए थे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 2 बार आदेश जारी किए थे। जिला उपायुक्त ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद वार्डों का पहला वाला पूर्ण गठन रखा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने फिर नियमों के आधार पर पूर्ण गठन करने को कहा। प्रदेश उच्च न्यायालय के इन आदेशों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के हक में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब आयोग 5 वार्डों की मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जल्द शुरू करेगा। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। नवागढ़ की पार्षद सिम्मी नंदा और राजीव ठाकुर ने नगर निगम शिमला के 5 वार्डों में पूर्ण गठन पर स्टे लगा दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इन वार्डों का पूर्ण नामांकन किया गया, जो कानून की दृष्टि से गलत है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए 5 वार्डों की प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए 5 वार्डों के डिलेमिनेशन पर रोक लगा दी। मामला हाई कोर्ट में चलता रहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।